हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द रैपिड माइक्रोबायोलॉजी सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड से. और आज का जनरल बैक्टीरियोलॉजी का टॉपिक है यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली यूरिएज एक एंजाइम का नाम है और वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिएज प्रोड्यूस करेंगे दे आर कॉल्ड यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स. ओके, अच्छा यूरिएज करता क्या है? सबसे पहले फिलॉसफी समझनी है, थ्योरी समझनी है. यूरिएज का काम है इट कन्वर्ट्स यूरिया जो कि हमारे सेल में प्रोड्यूस होता है, इट हाइड्रोलाइजेज यूरिया टू रिलीज अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो अगर हम ड्रॉ करें सो द यूरिया इन योर बॉडी विच इज प्रोड्यूस इन द सेल्स इज कन्वर्टेड इन टू अमोनिया NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो बिकॉज NH3 इज later on it can be converted into ammonium ion which is basic, it is a basic molecule, it will raise the pH of the cell, so it will raise the pH. So urease ka jo kaam hai ultimately to raise, to increase the pH of the cell wherever those bacteria are present. Okay, so urea will be converted into ammonia and carbon dioxide and increase pH. Okay, acha increase pH se related ek important clinical scenario hai ki it predisposes someone to make strohite stones. Strohite stones क्या होते हैं? Magnesium, ammonium, phosphate, triple stones, ठीक है? और particular organism जो है वो है Proteus mirabilis. So ये organism urease positive है. It is linked with the triple phosphate type of stones, strohite stone. बड़ा सा stone होता है ये, बड़ी तकलीफ देता है patient को. It's a very very problematic type of stone. और ये बनता है तब जब pH increase होती है. pH तब increase होगी जब किसी यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से इंफेक्शन होगा. तो ये इंपॉर्टेंट लिंक है, ये हम पढ़ेंगे जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना तब ये बात आएगी. पूरा सिनेरियो दिया जाएगा, आखिर में पूछ ही रहे होंगे कि यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो स्ट्रोवाइट स्टोन के लिए प्रीडिस्पोज करता है किसी को. सो रिमेंबर यूरिएज पॉजिटिव इंक्रीज पीएच मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन. ओके, अब एग्जाम्पल्स के यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? अच्छा अभी आपको मैंने क्या बताया कि एक स्टोन बनता है. ये स्टोन कहां बनता है? किडनी में बनता है. किडनी में बनता है यूरिएज पॉजिटिव वाला स्टोन, तो उससे आपको ये नाम पी दिमाग में आना चाहिए. सो समहाउ यू हैव टू कोरिलेट दिस पी विद दिस स्टोन. सो जब पी दिमाग में आएगा अगला वर्ड दिमाग में याद रखना है पी चंक्स. पी चंक्स अगर आपको याद रह गया यूरिएज पॉजिटिव के नाम से, सो अब हर वर्ड से एक ऑर्गेनिज्म बनेगा. पी इज फॉर प्रोडियस, सी इज फॉर क्रिप्टोकोकस, एच इज फॉर एच पाइलोरी, यूरिया प्लाज्मा इज यू, एन इज नोकार्डिया, के इज क्लैप्सुला, एस इज स्टेफ एपिडर्मिस एंड स्टेफ सेप्रोफायरिकस. सो देखें न्यूमोनिक्स का एक प्रॉब्लम ये रहता है कि जब बच्चे फर्स्ट एड्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका ख्याल ये होता है कि बस हमें ना कोई मैजिक हो जाए और हर हेडिंग का न्यूमोनिक याद हो जाए. ऐसे नहीं होगा. देखो आपको अपने दिमाग में सर्किट्स बनाने पड़ेंगे, अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम आपके सामने आए तो आपको जो बात याद रखनी है वो है किडनी स्टोन. और किडनी स्टोन जब आप याद रखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए पी, और जब पी आएगा तो पी के साथ चंक्स आपको अपने दिमाग में फिट करना है. सो इस तरह से जब आप कनेक्टिविटी बनाओगे तो आपको निमोनिक्स याद होंगे. और अब जब एक दफा पी चंक्स मैंने याद कर लिया, सो मुझे पता है पी फॉर प्रोडियस, सी फॉर क्रिप्टोकोकस, एच पाइलोरी, यूरिया प्लाज्मा, नोकार्डिया, क्लैप्सुला एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ओके, सो निमोनिक्स के साथ कनेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट स्टफ है. यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, increase pH, kidney stones, all these are the examples. Okay, that's all for urease positive. Milte hain next video mein. Take care of yourself.